हूँ, बहुत खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश ने इनको तमाचा मारा योगी जी को, जिस तरह उन्होंने ये इतने छोटे छोटे बच्चे पे जो उस केस में नहीं थे उन्हें भी नोटिस भेजा उन्होंने बाहर, क्या सरकार है बताइए। ये अगला नंबर यूपी का भी आने वाला है और आवाम उनको यूपी का भी सरकार को बताएगी और दिखाएगी कि अगला मुख्यमंत्री हमारा कौन बनेगा। जाने चली गई हैं, क्या समझे कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं, मेरी वहाँ इतनी जाने उत्तर प्रदेश में गई हैं, उसका एक एक बदला लेंगे हम लोग। और आप एक लड़की एक पांच चार पांच आदमी मिलके इस कानून का समर्थन दे रहे हैं और हम उसको मान लें, तो हम आपको उनको ये बता देना चाह रहे हैं कि आज का नौजवान ये जाग चुका है और ऐसी पॉलिटिक्स होने नहीं देगा हिंदुस्तान में। हम लोग हर तरह मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कानून को वापस ले नहीं, अगर ले कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग जान दे देंगे। उत्तर प्रदेश का आपने देखा योगी सरकार जिस तरह से एक तो जुल्म भी किया वहाँ पे, ऊपर से लोगों के पास नोटिस भी भेज रहे थे कि वो भरपाई करेंगे, लेकिन सरकार ने एक तरह से अदालत ने एक तरह से तमाचा मारा और योगी पे कहा है कि आप होते कौन हो इस तरह के, मतलब ये करने वाले के कितने का नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे ये जानकर खुशी होती है देखकर? खुशी तो बहुत होती है और खुशी का जाहिर हम तमाम लोग भी कर रहे हैं, और जैसे कि दिल्ली सरकार ने उनको दिखा दिया कि वाकई में कैसी सरकार होनी चाहिए, आवाम ने चुना है वह सरकार, किसी के बोलने पर किसी के कहने पर नहीं, ये आवाम का आवाज़ थी और आवाम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वैसे ही अगला नंबर यूपी का भी आने वाला है और आवाम उनको यूपी का भी सरकार को बताएगी और दिखाएगी कि अगला मुख्यमंत्री हमारा कौन बनेगा, जो सबकी बात को सुने सबकी बात को रखे। सीए के समर्थन में आने वाले हर एक को आप नोटिस कैसे भेज सकते हैं, क्या वो लोग जो सीए का समर्थन दे रहे हैं वो क्या गलत काम कर रहे हैं कि जो तोड़ फोड़ हुआ उसके लिए भरपाई जनता करे? एक दो लोग नहीं बोल रहे हैं, सड़कों करोड़ों लोग बोल रहे हैं, सबसे बड़े वो लोग बोल रहे हैं जो इस दुनिया को आगे तरक्की के लिए ले जाना चाह रहे हैं, नौजवान बोल रहे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी बोल रहा है, और आप एक लड़की एक पांच चार पांच आदमी मिलके इस कानून का समर्थन दे रहे हैं और हम उसको मान लें, तो हम आपको उनको ये बता देना चाह रहे हैं कि आज का नौजवान ये जाग चुका है और ऐसी पॉलिटिक्स होने नहीं देगा इस हिंदुस्तान में। यहाँ पॉलिटिक्स शिक्षा के नाम पर होगी, यहाँ पॉलिटिक्स रोजगार के नाम पर होगी, यहाँ पॉलिटिक्स हॉस्पिटल के नाम पर होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बची हमारी और क्या बेटी पढ़ रही है हमारी, सड़कों पर ला के रा के रख दिया आपने। आप खुश हुई उत्तर प्रदेश के अदालत ने किस तरह से, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश ने इनको तमाचा मारा योगी जी को, जिस तरह उन्होंने ये इतने छोटे छोटे बच्चे पे जो उस केस में नहीं थे उन्हें भी नोटिस भेजा उन्होंने बाहर, क्या सरकार है बताइए आप? ये सरकार है कि जो वहाँ बाहर है जो मर चुका उन्हें भी नोटिस भेजा गया, और क्या ये संविधान बताता है कि हम स्टूडेंट को नोटिस भेजें? कहीं आपने सुना किसी नोटिस भेजा, ना अदालत की जानकारी हुई, ना कुछ नहीं हुई, यार डायरेक्ट सरकार नोटिस भेज रहा, कहीं सुना आपने? आज तक इतनी उम्र में हम लोग ने नहीं सुना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह जुल्म बरता रही है, छोटे इतने जाने चली गई हैं, क्या समझे कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं, मेरी वहाँ इतनी जाने उत्तर प्रदेश में गई हैं, उसका एक एक बदला लेंगे हम लोग, बता दीजिए, हम बता दे रहे हैं यहाँ से शांति बाग से गया के शांति बाग से कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही हम लोग पीछे हटने वाले हैं, चाहे हम लोग की जान चली जाए लेकिन हम लोग हर तरह मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कानून को वापस ले नहीं, अगर ले कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग जान दे देंगे, जान लेंगे हम लोग किसी हाल से मारने वाले नहीं हैं, जितने आदमी को उसने गोली मरवा दिया उसका भरपाई कौन देगा, जिसका जान खत्म जिसके बच्चे को मारा गया है उसकी माँ को कौन देगा, बच्चे का पैर हाँ? किसी को आँख फूट गया है, आँख फोड़ दी, सब कौन देगा, बच्चे का हाथ टूटा हुआ है, सब तो हम लोग न्यूज़ में बैठे बैठे देख रहे हैं, तो क्या उनकी माँ का नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ भेजा था पढ़ने के लिए, कि ये सब क्या पुलिस एकदम साफ दिखला रहा है वीडियो में, ये डंडा दोनों तरफी से चल रहा है, खाली पुलिस का डंडा चल रहा है, और क्या वजह है कि पढ़े लिखे एक तरफ है बस जाहिल एक तरफ है, कुछ तो फर्क होगा ना सर, कुछ तो फर्क है, सारे पढ़े लिखे तबके एक तरफ है और जाहिलियत एक तरफ है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार कैसी है, ऐसा नहीं है कि उनके कहने से कि हम बहुत मजबूत है कुछ नहीं है सर। अच्छा एक चीज़ और, शाहीन बाग पे भी जिस तरह से हटाना होगा सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि बाद में एक और सुनवाई होनी है, लेकिन अभी जो कहा है कि सड़क पे नहीं बैठना चाहिए, सबसे पहली बात हम धरना इस काले कानून के खिलाफ में दे रहे हैं, और इस धरने से जितने भी लोग शाहीन बाग में बैठे हैं और शांति बाग में बैठे हैं
वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, सबको अलग अलग काम है, लेकिन सब लोगों ने काम का छोड़ के ये काले कानून के खिलाफ में बैठने को तैयार हुए, क्यों हुए? सबके पास रोजगार है, सबके पास कुछ काम है, लेकिन ये सरकार को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये सरकार सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स और सबसे ज़्यादा ये हिंदू और मुसलमान करवाना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ की आवाम ने जान लिया और यहाँ के संयोजक जो हमारे हैं वो हमको सिखाए हैं कि हिंसा कभी नहीं करना है, हिंसा कहीं नहीं करना है। ये मतलब आप लोग कोर्ट ने कहा कि वहाँ वो धरना दे सकती है, लेकिन रोड रुकने का नहीं है। रोड रुका क्यों रुका हुआ, रास्ता क्यों रुका हुआ, ये सरकार को सोचना चाहिए, ये मेरा सोचना नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए कि मेरा रास्ता क्यों जाम है। एम्बुलेंस सरकार रुका हुआ है रोड, वो तो बेचारी खड़ी हुई है, आज सरकार बात करेंगे कल हट जाएंगे, हम लोग रास्ते के लिए बैठे हुए, हम लोग से बात करें हम लोग कल हट जाएंगे। आपकी आवाज़।